नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधांशु। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। देश आज 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारे देश में संविधान को लागू हुए 70 साल हो गए। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, इसको राष्ट्रीय पर्व के तौर पर भी मनाते हैं। दो और राष्ट्रीय पर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गांधी जयंती, जिसको राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है। देश में 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, बाकी हमारे सांस्कृतिक पर्व और हमारे त्योहार हैं। तो दोस्तों, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस का खास इंतजार रहता है देशवासियों को, भारत देश को। लेकिन सवाल है कि आखिर 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? कुछ लोगों की जिज्ञासा है, कुछ लोगों के सवाल हैं, और लोगों ने मैसेज करके मेरे से कहा कि क्यों मनाते हैं, डिटेल्स भेज दो। तो मैंने कहा चलिए वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया जाए, ताकि आप लोग भी जान सकें। अगर कम शब्दों में समझें तो यही है कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। देश की आज़ादी में बहुत से महानेताओं का और बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है, जिन्होंने आज़ादी दिलाई। तो इसके इतिहास को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं। दरअसल 1929 के दिसंबर महीने में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पास हुआ कि अगर अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियम पद नहीं देती है, तो भारत खुद को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर देगा। इसके बावजूद 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं दिया, तब कांग्रेस ने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन शुरू किया। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रवि नदी के किनारे तिरंगा फहराया। इसके बाद भारत ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। उस दिन से 1947 में देश के आजाद होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके बाद देश आजाद हुआ और 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था। तब जो नेता थे उन्होंने 2 महीने और रुकने का निर्णय लिया और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इस दिन को तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के आजाद होने के बाद संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने अपना काम 9 दिसंबर 1946 से शुरू किया। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सौंपा गया। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग देने की आजादी थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्माती सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा स्वीकृति संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता दी गई। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण समिति थी, और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहते हैं। भारतीय संविधान की 2 प्रतियां जो हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखी गई थी, भारतीय संविधान की हाथ से लिखी मूल प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस में 26 जनवरी 1950 को शपथ ली थी। गणतंत्र दिवस की पहली परेड 1955 को
दिल्ली के राजपथ पर हुई थी। 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री अमर ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश के आजादी में बलिदान दिया था। तो ये था गणतंत्र दिवस का इतिहास जो 1950 से शुरू हुआ और आज हम 17वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत है तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।